कोरोना के कहर के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पर राज्यों में फंसे मजदूर वर्ग के लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए विशेष सुविधाओं का प्रबंध भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार से लेकर सामाजिक संगठन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस सभी मिलकर गरीब मजदूरों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन 3 के शुरू होते ही मजदूरों के साहस ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। हर कोई जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचना चाहता है। पैसे की किल्लत और लॉकडाउन के सन्नाटे ने सबको खस्ताहाल कर दिया। लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन लोगों के साथ मीरा भाईंदर पूर्व नौघर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धोखाधड़ी हो गई। भाईंदर पूर्व के जय अंबे इंडस्ट्रियल स्टेट में सामाजिक संगठन से जुड़े कुछ लालची लोगों ने लॉकडाउन की मार झेल रहे इन मजदूरों से गांव जाने के नाम पर फॉर्म भरवाने के एवज में पैसों की ठगी कर ली। क्या बोल के लिए तुमसे ये पैसा? इसका 200 रुपया लिए ना? बोले तुझको फार्म दे दो, भर दिया, इसको दिया है, बोला 200 रुपया तो जब इसको देगा 200 रुपये में। लेकिन क्या समझ के तुमने लिए हो इसको? वही गांव के बस चालू हुई उसी के उसके लिए दिया है तुम 200 रुपया टिकट का? हाँ, यही हो गया ना टिकट का क्या मतलब? तुमको गांव जाने के लिए 200 रुपये लिए हैं, एफआर के लिए हो तुम? बस वही चीज़ मतलब तुमको। लेकिन ये कैसे, किसने बोला? जब गवर्नमेंट ने अभी दिया है, छूट दिया है बस से जाने के लिए आप लोग को, फिर आप कैसे इसको ले रहे हो? पूरी लाइन लगी, सब लोग पूरी ले, इसीलिए आप भी ले लिए? सब लोग ने पैसा दिया? हाँ तो दिया ना, वहाँ झोला भर गया पैसा, झोला भर गया। ठीक है, बोल सकता हूँ? ठीक है ठीक है। तो वहाँ पे लाइन लगा था, वहाँ पे टेबल पे तो बोले सब लोग की गाँव जाने के लिए लाइन लगा था, तो सब के नाम, आधार कार्ड, ये गाँव जाने के लिए फॉर्म भरा था क्या आपने आज? ये कितने पैसे लिए आपसे इन्होंने? क्या बोल के लिए इन्होंने? क्या बोले गांव जाने मिलेगा? तो 200 रुपये किस चीज़ के लिए मांगे उन्होंने? फॉर्म का 200 रुपये मांगा आपसे? तो कितने पैसे लिए आपसे? कितने पैसे लिए आपसे? 200 रुपये लिए। क्या बोल के लिए? कितने लोगों की एंट्री हुई है? हम लोगों ने कोई एंट्री नहीं, आ रहे शेखर भाई, आ रहे, उनसे ही बात करो आप। मीरा भाईंदर कामगार संस्था के नाम से इस ठगी को अंजाम दिया गया। इस मामले में नौघर पुलिस द्वारा शेखर जाधव नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नौघर पुलिस के लोगों पर ही जाता है, क्योंकि यह पूरा मामला जब चल रहा था तब पुलिस दो बार आकर भीड़ को तितर बितर करके चली गई और ठगों से बात भी की, लेकिन उस समय किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया। आखिर